दोस्तों, स्वागत है आपका नए और धमाकेदार कमाल के ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कन्वर्सन बिटवीन नंबर एंड टेक्स्ट डेटा इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, जो कि हमने डेटा लोड कर लिया है। ये डेटा अगर आपने लोड नहीं किया है तो इसको ऐसे करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। मैं यहाँ लोड कर चुका हूँ और मेरा यहाँ पर ये देखो आ रहा है, वर्क स्पेस लोडेड फ्रॉम आर डेटा। तो ये मैं कर चुका हूँ तो मैं नहीं करने वाला। आप चाहें तो इसको यहाँ से उठा के ड्रैग कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपका डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पीडीएफ के साथ, जो हम लोगों ने पीडीएफ बना रखी है। बहुत ही हेल्पफुल है ये, आपको मिल जाएगी। डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक भी कर दीजिए जैसे ही डिस्क्रिप्शन देखते हैं आप। तो अगर हम लोग इसमें कट डालें तो हम लोग कट नाम का एक इसमें हम लोगों ने बना रखा था, कट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर बना रखा था, जिसमें हम लोगों ने मो और अनमो डाल रखा था। इसमें लेवल जा रहे हैं, मो और अनमो ही नाम के तो डेटा है इसमें। देखो, एक मो है और एक तरीके का अनमो है, तो इसमें दो ही लेवल हैं, तो लेवल्स ने दे दिए हैं मोर एंड मोर, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब होता है लेवल्स। लेवल्स कौन कौन से हैं? अलग अलग डेटास, अलग अलग डेटा कौन है? मोर एंड मोर। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेवल समझ में आ गया होगा। कट हमने पहले से बना रखा था, और कट इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारे आर डेटा में पहले से ही था, ठीक है। तो कट अभी हमें क्या करना है, जो कट टू हमें बनाना है एक, ठीक है, तो उसमें सारे के सारे करेक्टर बना देने हैं। किसके एलिमेंट? कट टू के। कट टू के सारे एलिमेंट्स मेरे को करेक्टर बना देने हैं, एज करेक्टर बना देने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कमांड है। तो देखो, हम लोग एक नया वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें इसको सेव करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे करेक्टर बनाने हैं, करेक्टर बनाने हैं। लेकिन करेक्टर बनाना किसको किसको है? हमें बनाना है कट के अंदर जो वैल्यूज स्टोर्ड हैं। तो कट के अंदर मो अनमो है, और इसमें 5 बार मो है, और 5 बार मो है, और बाकी बार अनमो है 4 बार। तो ये सारे के सारे करेक्टर बन जाएंगे। इसको एंटर करके मैं दिखाता हूँ। हाँ सॉरी, अब अगर मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे जाके कट टू डालूँगा, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे क्या बन गए, करेक्टर। करेक्टर सारे के सारे कोड्स में आते हैं, तो ये बन चुके हैं यहाँ पे। कितना सिंपल कमांड था, एज करेक्टर। और मेरे को फैक्टर बनाना है, मान लो फैक्टर बनाना है कट टू का, तो हम लोग यही कमांड लिखते हैं। और करेक्टर की जगह क्या लिख देते हैं? फैक्टर, एस एस फैक्टर। तो जैसे हम लोग ये करते, और उसके बाद हम लोग कट टू को जब प्रिंट करते तो ये हो जाता, तो हमें मिल जाता। और अगर हम देखें तो हमारा कट वन जो है, जो कट है, इसका क्लास क्या है देखता हूँ। क्लास कट का क्लास क्या है? तो हमें जो इसका क्लास मिला वो फैक्टर है, और हमने कट टू भी एक फैक्टर बनाया था ना, एस फैक्टर में तो कन्वर्ट किया है। तो हम लोगों इसके लेवल्स भी मिल रहे हैं और इसका डेटा भी मिल रहा है, ठीक है, इस वजह से मिल रहा है। और अगर आपको कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल सा कमांड है, मैं आपको जनरल सिंटेक्स दिखा देता हूँ जो मैंने लिख रखा है, जनरल सिंटेक्स नाम से, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई इसके डरने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे दिया, कोई भी नाम दे सकते थे इधर। उसके बाद इक्वल लगा देंगे, ठीक है, इक्वल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एस लगाया, एस एस के बाद हम लोगों को क्या करना है, डेटा टाइप, मतलब किस तरीके के डेटा टाइप में चेंज करना है। हम लोग किस तरीके में चेंज कर सकते हैं, या तो करेक्टर में चेंज कर सकते हैं, और या तो हम लोग चेंज कर सकते हैं फैक्टर, ठीक है, अभी के लिए, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है। करेक्टर और फैक्टर ही तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, इसके आगे है लेकिन अभी तक के लिए। उसके बाद हम लोगों को जो डेटा है, जो मेन डेटा है, जिस फाइल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिस फाइल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वो इसमें डाल देंगे। और उसको सेव किस में कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोगों ने गिव नेम दिया है उसमें सेव कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यू कैन डू सिमिलर थिंग्स विद नंबर इफ़ यू बिगिन विद डेटा दैट कंटेन्स द डेसिमल इज। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधा बताता हूँ काम क्या है। काम क्या मतलब, मुद्दे की बात क्या है। देखो, डेटा 7 इसमें पहले से ही बना हुआ है, अगर नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए इस डेटा को, ठीक है। बनाना आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होना चाहिए, कंबाइंड से भी बना सकते हैं, स्कैन से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। उसका मैं क्लास आपको दिखा देता हूँ, क्लास क्या है इसका, डेटा डेटा 7 का क्लास क्या है मैं दिखाता हूँ। डेटा 7 का क्लास है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक आपको दिख भी सकता है, ये सारे सारे न्यूमेरिकल्स तो हैं, मतलब न्यूमेरिक ही तो हैं, रियल लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। यही डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी अपने सेकंड लेक्चर में, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद आ रही होगी वो डेफिनेशन। नहीं याद रहे, याद आ रही है तो कोई बात नहीं, सारे रियल नंबर क्या होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, सिंपल डेफिनेशन, कोई डरने की बात ही नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है कि हम लोगों को सारे के सारे इंटीजर बना देने हैं, सारे इंटीजर बना देने हैं। तो
तो अगर मैं इसको इंटीजर बनाऊँ तो इसका 23 बन जाए बच जाएगा, इसका क्या बचेगा 17 बचेगा, इसका क्या हो जाएगा 12.5 का हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 11.0 का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इधर 14.5 है इसका क्या हो जाएगा, इधर इसका हो जाएगा 14 केवल। तो मैं पहले बना के दिखाता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे कि डेटा इंटीजर बनाना है तो डेटा आई लिख लिया मैंने, या चलो 7th का बनाना है तो 7 आई मैंने लिख लिया। और इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग इंटीजर बना रहे हैं, इंटीजर ठीक है, इंटीजर बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, डेटा 7 का, डेटा 7 की जो वैल्यूज़ हैं उसका हम लोग इंटीजर बना रहे हैं। तो अब चेक करते हैं डेटा 7 आई, 7 अब भी बना सकते हैं जैसा मन करे यार बना लो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये देखो 23 को इसने चेंज कर दिया, 23.0 को चेंज कर दिया 23 में, और 17 को वैसा का वैसा ही रखा बस पॉइंट हटा दिया, 12.5 को इसने चेंज कर दिया 12 में, और हमारा ये जो ये 12.5 नीचे है ये देखो ये दिखाता हूँ मैं, ये जो इधर है ये 12 तो इधर आ गया और 14 हमारा इधर आ गया, ये रहा 14.5 को इधर ऐसे चेंज कर दिया इसने। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एस डॉट इंटीजर कैसे काम करता है और एस डॉट नुमेरिक कैसे काम करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एस के बाद इंटीजर और नुमेरिक भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था एस डॉट डेटा टाइप, तो यहाँ पे एस डॉट डेटा टाइप की जगह हम लोग नुमेरिक या करेक्टर कुछ भी डाल सकते हैं, इन दोनों में से भी कुछ चीज़ डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, मरने से पहले 1000 लाइक तो हो ही जानी चाहिए टोटल वीडियोस में, वरना क्या ही किया ज़िंदगी मैंने यूट्यूब में आके। तो अब क्या है, जैसे कि मान लो डेटा 7 है, डेटा 7 हमारे पास क्या है पहले देखता हूँ, डेटा 7 हमारे पास क्या है, डेटा 7 मैंने देखा कि भाई मेरे पास डेटा 7 में ये सब है, अब इनको मेरे को कन्वर्ट करना है करेक्टर में, तो क्या करूँगा, डेटा 7 सी लिख देता हूँ, इसमें मैंने क्या लिख रखा, हाँ डेटा 7 सी लिख रखा है और इसको मेरे करेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा एस डॉट करेक्टर, एस डॉट करेक्टर, और किस डेटा को कन्वर्ट करना है डेटा 7 को, तो डेटा 7 मैंने लिख दिया और ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं जब डेटा 7 सी को जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा देखता हूँ, ये देखो सारे के सारे इन्वर्टेड कॉमा में आ गए, मतलब ये सारे के सारे करेक्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी बहुत ही आसानी से, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कन्वर्टिंग, ये मैं आपको पढ़ के, ये मैंने छोटे छोटे चीज़ें लिख रखी हैं जो कि काफ़ी छोटी हैं, आपके हेल्प करेंगे जब आप टेस्ट देंगे। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई कन्वर्टिंग टेक्स्ट इंटू न्यूमेरिकल लाइक सो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट आइटम को न्यूमेरिकल में, अरे नंबर्स में। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि डेटा 7 NT हम लोग बना देते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे डेटा 7 C को स्टोर कर देंगे। अभी देखो जो डेटा 7 C हम लोगों ने अभी बनाया है ये क्या है, डेटा 7 C जो हम लोगों ने बनाया है ये क्या है, ये हमारा करेक्टर बन चुका है, इसका मैं क्लास चेक करके दिखाता हूँ, क्लास एंड डेटा 7 C, ठीक है। अब मेरे को भाई यार डेटा 7 C मेरा करेक्टर बन चुका है, लेकिन हमें तो भाई चाहिए कि ये हमारे नंबर्स में हो है ना, तो हम क्या करेंगे इसको बनाना है हमें फिर नंबर में बनाना है, तो किसमें बनाना है हम लोग इसको फिर चेंज करना है न्यूमेरिक में, न्यूमेरिक डेटा टाइप में। तो हम लोग डेटा हम लोग लेते हैं डेटा 7 N, या कुछ भी नाम लिख देते हैं यार, चलो कुछ भी नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे दिया ठीक है, और कुछ भी में हम लोग क्या डाल रहे हैं न्यूमेरिक डाल रहे हैं, तो एस डॉट न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक में हम लोग डेटा कौन सा दे रहे हैं डेटा 7 जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्ट्रिंग बनाया था, ये जो डेटा 7 C था, तो डेटा 7 C में डाल दूंगा, तो ये डेटा क्या होना चाहिए हमारा 23, 17, 12.5, 11, इनके आगे कॉमा हट जाने चाहिए, तो ये जो हमारा बन जाएगा आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप में। तो हम कुछ भी को प्रिंट करते हैं कुछ भी, ठीक है, तो ये देखो वापस हमें मिल चुका है ये जैसा ये पहले डेटा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किसी भी करेक्टर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो डेटा टाइप में क्या हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिक और करेक्टर को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर होगी। और आखिरी एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, पहले हम लोग मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें डेटा 8 एक हमारी वैल्यू फीड है पहले से, तो डेटा 8 है क्या, डेटा 8 जो है हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सब है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ,
मैं इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करने वाला हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको चाहूँ तो क्या मैं इसको न्यूमेरिक बना सकता हूँ? एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है? फिर आपको एरर समझ में आएगा। डेटा एट एन, क्योंकि डेटा एट को मैं न्यूमेरिक बना तो ऐसे मैंने नाम रख दिया है इसीलिए। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, एस डॉट। अब मेरे को क्या करना है, न्यूमेरिक बनाना है। क्या बनाना है? न्यूमेरिक। तो मैंने न्यूमेरिक बना दिया, और किसको बनाना है? डेटा एट को, डेटा एट के डेटा को न्यूमेरिक बनाना है मुझे। तो अब देखिए कौन सा एरर आएगा। ये वो ये करा वार्निंग मैसेज। तो जब आप एक, अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे भी तो किस तरीके से नंबरिंग कर पाएंगे? कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, तो इसीलिए इसमें दिक्कत आ रही है। तो ये कह रहा है कि भाई जो आपका डेटा है वो आपका करेक्टर से, किसी करेक्टर से न्यूमेरिक नहीं बन सकता है, करेक्टर से न्यूमेरिक नहीं हो सकता है, बट क्या फैक्टर से न्यूमेरिक हो सकता है? तो ये हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था। एक बार बताइए, आप ही बताइए कमेंट करके, क्या हम लोगों ने एक डेटा बनाया था ये जो था कट टू, क्या इसको हम लोगों ने फैक्टर में कन्वर्ट करा था? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ याद आ रही होगी, थोड़ी बहुत नहीं याद आ रही तो हम लोगों ने अभी देख भी लिया कि ये करेक्टर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग फैक्टर में चेंज कर सकते हैं, और फिर फैक्टर से हम लोग इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, डेटा डेटा एट सी बनाता हूँ, डेटा एट सी, ठीक है? और इसमें हम लोग सारी न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर करा रहे हैं, एस डॉट न्यूमेरिक। और इसमें हम लोग एक अलग तरीके से पास कर रहे हैं डेटा, एस डॉट फैक्टर, फैक्टर डेटा इसमें हम लोग पास कर रहे हैं, वो भी किसका? डेटा एट का, डेटा एट का। तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, डेटा एट जो है हमारा, डेटा एट है, इसके सारे के सारे फैक्टर्स बन जाएंगे, डेटा एट के फैक्टर्स बन जाएंगे। मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिख के आएगा, केवल जनवरी आएगा, फरवरी लिख के आएगा, मार्च लिख के आएगा, और अप्रैल लिख के आएगा, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसमें क्या आंसर आएगा। एस डॉट फैक्टर डेटा एट, तो इसने ये देखो इस तरीके का आउटपुट आएगा। तो इसमें देखो सारे इंडेंटेड कॉमास हट गए हमारे पास, और लेवल्स कितने, लेवल्स मतलब अलग अलग चीज़ें कितनी हैं हमारे पास, पूरी 12 लेवल्स हैं। क्योंकि तो आपको पता है सारे सबका नाम अलग अलग है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये शॉर्ट में भी लगेंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो इस चीज़ में क्या आएगा, पहले इसमें आएगा जनवरी, तो वो जनवरी का न्यूमेरिक बनेगा, फिर फरवरी का न्यूमेरिक बनेगा, मार्च का न्यूमेरिक बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो पहले मैं रन करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। डेटा एट एट सी, अब देखो ये आ रहा है 5 आ रहा है, और ये 4 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया था। चलो मैं समझा देता हूँ ऐसा क्यों है। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले जो हम लोग का आ रहा है वो अप्रैल आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में ए जो होता है ना सबसे पहले आता है, ठीक है? लेकिन आपने कहा सर ये तो पहले आता है लेकिन अगस्त में भी ए आ रहा है, तो सर अगस्त क्यों नहीं, सर अगस्त पहले होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बाद जैसे कि ये टाई हो गया, ए टाई हो गया, ए भी टाई हो गया, उसके बाद हम लोग पी देखेंगे और आर देखेंगे, ठीक है? अब पी और आर में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है हमारा पी, तो यहाँ पे ये जीत गया, इसलिए हम लोगों ने अप्रैल की जगह पे 1 लिखा हुआ है और अगस्त की जगह पे 2 लिखा हुआ है, अगस्त की जगह पे 2 आया हुआ है। तो इस तरीके से उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा दिसंबर, देखो दिसंबर डी से चालू होता है, इस वजह से इधर 3 आया हुआ है, और इसी तरीके से नंबरिंग हुई है। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो हमारा डेटा एट है, डेटा एट जो हमारा है, जो कि करेक्टर है, वो उसको भी हम लोग न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले हमें उसका फैक्टर बनाना पड़ेगा। क्या क्या बनाना पड़ेगा? फैक्टर। देखो हम लोगों ने इसको फैक्टर बनाया, तो फैक्टर बनाने इसको इस तरीके का इसमें डेटा गया, और इस तरीके का डेटा गया, तो इसने इसको कंपेयर करने में ए बी सी डी वाला फॉर्मूला अपना लिया, लेकिन इससे पहले नहीं अपना सकता था क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा में था। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर डालो, और अगले जो हम लोग देखेंगे वो होगा द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा आइटम्स, मतलब मैट्रिक्स, डेटा आइटम, ये सब देखेंगे, और लिस्ट क्या होती है ये भी देखेंगे।
इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, और आने वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, जो सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से देखा जाएगा इस चीज़ को, और आपको मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को देख के।